नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आलू पूरी या आलू पराठा जो भी बोलिए वो मैं बना रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बना चुकी हूँ। इसको कैसे बनाएंगे वो मैं आगे दिखाऊंगी। ये काफ़ी टेस्टी खाने में होता है। जब कुछ भी ना मन करे तो ये आप अचार, चटनी, दही या सब्जी किसी के साथ भी खा सकते हैं। काफ़ी चटपटा होता है खाने में ये। तो चलिए देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ये मैं लास्ट का बना रही हूँ इसलिए मैं दिखा दी उस पर। ये सारा मैं डाल ली हूँ, ये बन गया है। अब इसके ऊपर मैं मक्खन डाल देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले 6-7 आलू बड़े साइज का मैं धो करके उबाल ली हूँ। ये देखिए, उबाल करके ठंडा होने के बाद इसको छील करके मैश कर रही हूँ, मिला दे रही। और इसमें अभी एक प्याज डाली हूँ। प्याज, गरम मसाला, कसूरी मेथी, थोड़ा सा लहसुन, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और अजवाइन थोड़ा सा, सब कुछ मैं इसमें डाली हूँ। आप चाहो तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो, मैं नहीं डाली हूँ। और आधे चम्मच में नमक डाली हूँ क्योंकि पहले भी प्याज में डाली थी। ये आलू सारा मैं छील लूँगी और सारा मैं मिला रही हूँ। थोड़ा सा अगर है तो थोड़ा सा आप अचार का राई भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ इसमें क्योंकि मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाली हुई हूँ। इस सब को अच्छे से मैं मिला दे रही। इधर मैं आटा नॉर्मल तरीके से ही सानी हूँ जैसे सबको आता ही है। 2-3 चम्मच में रिफाइंड डाली थी, थोड़ा सा आधा का आधा चम्मच नमक और आधी चम्मच अजवाइन डाल करके नॉर्मल तरीके से गूँथ ली हूँ खूब अच्छे तरीके से। मैं आटा स्टार्टिंग से इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो और बड़ा हो जाता, इस वजह से आटा लगाने तो सबों को आता ही है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए डाल दूँगी जब तक वो मैं आलू को मसाला में मिला लेती हूँ सारे में। इसको मैं साइड रख रही हूँ, उधर मैं आलू मिला लेती हूँ प्याज सब मसाला के साथ। ये सारे को अच्छे तरीके से मैं मिला दे रही। और इसमें मैं 3-4 चुटकी हींग भी डाली हूँ। बहुत लोग हींग नहीं पसंद करते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं, पर हींग बहुत ही फ़ायदा करता है इसीलिए मैं। अब ये गोला लोई के तरह बना लिए हैं और उसमें करीब 2 चम्मच छोटे वाले चम्मच के आसपास आलू का मसाला भरी हूँ। जैसे देखिए ये इस तरह से लोई बना लेंगे, जैसा कि देखे हैं आप उसी तरह कटोरी के तरह बना करके उसमें आलू वाला मसाला डाल देंगे जितना आएगा उतना। ये ध्यान रहे कि हमारा पूरी फटे नहीं। देखिए जैसे मैं अभी दिखाई हूँ उसी तरह से बनाएंगे और इसी तरह से आलू का मसाला भर करके इसको बंद कर देंगे। और ये सारा मैं बना ली हूँ, पर बेलते टाइम ध्यान रहेगा कि हमारा पूरी फटे नहीं। ये देखिए ये सारा मैं एक साथ ही बना ली हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए हमारा। आप चाहो तो एक एक भी बना सकते हो। और ये सूखे आटे में मैं लपेट करके इसको हल्के हाथों से बेलूँगी ताकि हमारा ये पूरी टूटे ना। नहीं तो अगर हम इसको छानेंगे भी तो वो फट जाएगा उसमें, तो उसके अंदर तेल या रिफाइंड जो भी रहेगा वो अंदर चला जाएगा तो फिर वो टेस्ट नहीं आता, अजीब सा हो जाता है तेल तेल। इस तरह से करेंगे, ना ज़्यादा पतला होगा ना मोटा होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारा पूरी फटे ना, फटेगा तो फिर उसके अंदर चला जाता है तो अच्छा नहीं होता, इसका हमें ध्यान रखना है। मैं सारा एक ही साथ बेल रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। आप एक एक भी बेल सकते हैं। ये मैं सारा एक साथ बेल रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये बस एक ही ध्यान रखना है कि हमारा पूरी फटे नहीं। ये सारा मैं बेल ली हूँ, उधर मैं गैस पे अब तवा चढ़ा दी हूँ। ये तवा गर्म हो जाएगा फिर एक एक करके मैं सेक लूँगी। मैं छान नहीं रही इसको, बस रिफाइंड में थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच रिफाइंड करके बना रही हूँ। ये डाल दी थोड़ा सा, ये और ये हो जाएगा तो फिर इसको हम पलटेंगे। लगभग 2 मिनट एक साइड हम रखेंगे पर दूसरे साइड ज़्यादा टाइम लगता है तो ये करके। और ये टाइमिंग कम ज़्यादा भी होता है, गैस के फ्लेम पे डिपेंड करेगा। हम देखेंगे कि ब्राउन ब्राउन हमारा पूरी हो गया, फिर मैं इसको पलट लूँगी रिफाइंड डाल करके।
ये हो गया है। अब मैं इस पे 2 चम्मच रिफाइंड डाल रही हूँ और इसको फिर दूसरी तरफ भी डाल करके ब्राउन बन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन तक इसको सेकूँगी। आप चाहो तो इसको छान भी ले सकते हैं, पर मैं कम रिफाइंड की वजह से छान नहीं रही क्योंकि मैं कम करके ही डाल रही हूँ। बहुत लोग मतलब ज़्यादा तेल रिफाइंड खाना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से इसी तरह दोनों तरफ उलट पुलट करके इसको सेक लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक और फिर निकाल लूँगी। ये हमारा हो गया है, मैं इसको प्लेट में निकाल ली। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी। मैं एक दूसरा दिखा रही हूँ, वैसे तो सभी जानते ही हैं पर बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहें। और मेरा फेसबुक पे भी कामनास किचन के नाम से पेज है, वहाँ भी देखें, उसको भी लाइक फॉलो करें। ये देखिए दूसरा भी मैं इसी तरीके से बना ली हूँ, उलट पुलट करके बन गया। इसी तरह मैं सारा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल रोटी के तरह हमारा ये पूरी फूल रहा है, सारा पूरी इसी तरह से हमारा फूला हुआ बना है। आप लोग भी बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि हमारा पूरी फूटे ना तो बिल्कुल बनेगा। ऐसे ही सारा मैं बना करके दिखा, ये भी बन गया, इसको भी निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सारा बना लूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो हमारा आए तो सबसे पहले आप लोगों को मैसेज मिले। इस तरह से मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ सारा, मैं इसके बाद दिखाती हूँ। इसके ऊपर आप बटर डाल के ये खा सकते हैं, ये अचार के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। देखिए ये सारा हमारा बन गया, इसके ऊपर मैं बटर डाल दी हूँ। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार बनाएं और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आलू पूरी या आलू पराठा जो भी आप बोलते हो, हमारे मिथिलांचल में इसको आलू पूरी ही बोलते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बार ज़रूर आप लोग इस तरीके से बनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।